मैं पहली बार यहां आया था, बहुत सी चीजें नई जानने को मिली जैसा कुछ अर्थी जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती है। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और जिस देश के मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया। संसद की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का दायित्व रहता है और हमने इसकी भरपूर सबने कोशिश की है। इस बार हमारे सांसद महोदय की टैलेंट का भी बड़ा बड़ा अनुभव आया। अभी से मैं एक दिन भाषण कर रहा था राष्ट्रपति जी के ऊपर, ऐसा अट्टहास्य सुनने को मुझे मिलता था इस सदन में। मैं जरूर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं उनको इस प्रकार के अट्टहास्य की जरूरत है तो ये यूट्यूब से इतना देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। शायद अच्छे अच्छे कलाकार भी ऐसा अट्टहास्य नहीं कर पाते होंगे जो यहां पर सुनने को मिलता था। उसी प्रकार से ऐसी वेशभूषा, और मैं हमारे टीडीपी के साथी नहीं है लेकिन टीडीपी के हमारे सांसद नारामल्ली शिवप्रसाद जी क्या अद्भुत वेशभूषा पहनते हैं। सारा टेंशन उनके एटेंशन में बदल जाता था। इन हंसी खुशियों के बीच हमारा एक कार्यकाल बीता है। मुझ जैसे एक नए सांसद ने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। आप सबकी मदद से नया होने के बावजूद भी मुझे कभी कमी महसूस होने नहीं दी आप सब साथियों ने, सभी तरफ से सबने, और आपके नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, सबके लिए मूल्यवान है, सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है। मैं फिर एक बार आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस परिषद से जुड़े हुए सभी स्टाफ के लोगों को भी अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन देता हूं जिन्होंने सभी सांसदों की देखभाल की, कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी की। और मैं सभी सांसदों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए जब हम जनता के बीच जाने वाले हैं तो हम स्वस्थ परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, एक तंदुरुस्त स्पर्धा कैसे करें, उस तंदुरुस्त स्पर्धा को लेकर के लोकतंत्र को तंदुरुस्त बनाने में हम अपनी भूमिका कैसे अदा करें, इसी एक शुभकामनाओं के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार नतमस्तक होकर के इस सदन के सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।